हेलो एवरीवन। तो गाइस, मैं हूँ मंजू और मंजू की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे हमें अक्सर सामना करना पड़ता है। हम किचन में खाना बनाते हैं या कभी भी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो कई बार वह जल जाती है और हमारे बर्तन बहुत बुरी तरह से जल जाते हैं, और उसे मानना मतलब बहुत परेशानी का सामना करने के बराबर है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय जाता है। तो मैं आज आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप इसे बर्तनों को चुटकियों में साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ डाला है लगभग 1.5 लीटर पानी। हमें इतना पानी इसमें डालना है जितना कि 3/4 तक भर जाए। पूरा हमें इसे भरना नहीं है। अब हमें इसे करना है गर्म, तो हम गैस को ऑन कर देते हैं और इसे गर्म कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक। नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। नमक से इसकी बहुत अच्छी से क्लीनिंग होती है। ये देखिए, अब हम डालेंगे इसमें 1/4 कप वाइट विनेगर। वाइट विनेगर डालते ही इसमें अच्छे से झाग आने लगेंगे और ये उफनने लगता है। इसी से हमारी क्लीनिंग अच्छे से होगी। अब हम यहाँ डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर बेकिंग सोडा। आप चाहें तो यहाँ बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही सेम काम करेंगे हमारी कढ़ाई या बर्तन जो भी आप साफ़ करें उसको क्लीनिंग करने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट में ही हमारी जो गंदगी है, कढ़ाई की गंदगी, वो अच्छे से इसी में क्लीन होती जा रही है। स्क्रेच करते जाएं चम्मच की सहायता से, इसी के अंदर गंदगी सारी इस पानी में आती जाएगी। तो ये देखिए, आप इससे अच्छे से देख सकते हैं कि हमारी जो कढ़ाई की गंदगी है वो बहुत आसानी से साफ़ होती जा रही है। अब मुझे सिर्फ इसको 2 मिनट हुआ है साफ़ करते हुए, और 2 मिनट में ही आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्क्रेच करते जाएं, उस गंदगी को इसमें से निकालते जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसकी स्क्रेच करते जाएँ, सारी गंदगी इसमें से निकलती जाएगी। अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो पर कमेंट करें। अगर आपने ये यूज़ किया तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट में हमारी जो कढ़ाई की गंदगी है वो बहुत अच्छे से साफ़ होती जा रही है। इस तरह से इसे रगड़ रगड़ के स्क्रेच करते कर करके आप इसे साफ़ करते जाएं। बहुत आसान है इस ट्रिक को, बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं कोई भी बर्तन, और बिना किसी मेहनत के, बिना समय बर्बादी के ओनली 5 मिनट में ये बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लगभग लगभग हमारी कढ़ाई बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है। इस तले से सटाकर इस चम्मच से नीचे भी आप गंदगी को हटा लें जितना हो सकता है। इस कढ़ाई में ही, इस पानी खोलते हुए पानी में ही आप सारी गंदगी को स्क्रेच कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी गंदगी को स्क्रेच कर लिया है। जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने इसी कढ़ाई में कर लिया है। इस तरह से पानी ऊपर डालते डालते, इस खोलते हुए पानी को ऊपर डालते हुए इसे स्क्रेच कर लें। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को, फ्लेम को बंद कर देते हैं, इस पानी को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी निकाल लिया है, थोड़ी बहुत गंदगी इसमें रह गई है। तो किसी भी स्क्रबर की सहायता से आप इसे अच्छे से क्लीन कर लें। बहुत हल्के हाथों से 2 मिनट में ये साफ़ हो जाएगी, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये 2 मिनट में बिल्कुल चमचमाने लगी है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।